हेलो व्यूवर्स, माय नेम इज़ अकीदत फातिमा। क्लास फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, चैप्टर 5, टॉपिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसफर रिफर टू द मेथड एंड वे इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। इनके मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? तरीके होते हैं, वो तरीके जिनके जरिए डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जा सकता है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द डाटा ट्रांसमिशन मोड विच आर हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। और बी में आ जाता है सिंक्रो एंड असिंक्रोनस, सिंक्रोनाइज एंड असिंक्रोनाइज। सिंप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स में पहले नंबर पे सिंप्लेक्स क्या है? सिंप्लेक्स मोड जो होता है, द कम्युनिकेशन टेक प्लेक्स इन द वन डायरेक्शन, यानी कि वो डेटा जो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, चाहे वो सेंड हो या रिसीव। कैन ओनली सेंड डाटा, यानी कि नोड जो होता है वो डाटा को सेंड करेगा एंड कैन नॉट रिसीव, यानी कि यहाँ तो सिर्फ उसको सेंड करेगा और रिसीव नहीं कर सकता इस डायरेक्शन में, या फिर क्या करेगा, इट्स कैन ओनली रिसीव डाटा बट कैन नॉट सेंड, या तो वो सिर्फ रिसीव कर सकता है और उसे सेंड नहीं कर सकता। इन दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन इट्स यूनिडायरेक्शनल। ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही साइड पे। फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन जो होती है ना, फ्रॉम सेंट्रल कंप्यूटर टू डम्प टर्मिनल, यानी कि जिसे डाटा सेंड करना है और रिसीव करने वाले कंप्यूटर में, द कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस इन अ वन डायरेक्शन, यानी मुसलाहत जो होती है, रबता जो है सिर्फ एक साइड से ही होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द रिसीवर टू सेंड डैट बेटा, यानी कि जो रिसीव करने वाला है उसके लिए मुमकिन नहीं होगा कि फौरन ही उस दोबारा जो है सेंड कर दे डाटा को। अदर एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन वुड बी डाटा बींग सेंड टू द इलेक्ट्रॉनिकली नोटिस बोर्ड, सच एज जैसे कि दोज फाउंड इन द ट्रेन स्टेशन एंड द एयरपोर्ट्स। हाफ डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है? यानी कि इसमें डाटा जो है वो सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, बस डिफरेंट ये होता है कि इसको एक ही दफ़ा में, यानी कि एक ही टाइम पे सेंड नहीं कर सकते। इन द हाफ डुप्लेक्स मोड ई स्टेशन जो होता है कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव डाटा, यानी कि डाटा सेंड भी होगा और रिसीव भी होगा, लेकिन बट नॉट एट सेम टाइम, यानी कि डिफरेंट टाइम पे वो डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ईच एंड ऑफ द कम्युनिकेशन लिंक एक्ट एज अ सेंडर, हर कम्युनिकेशन लिंक जो होता है वो एक्ट करेगा सेंडर एंड रिसीवर की तरह। एग्जाम्पल ऑफ द दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ वाई की, टाइप की, वेयर ईच ऑफ पर्सन कम्युनिकेट मस्ट इंडिकेट वेन दे हैव फिनिश स्पीकिंग, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बंदा बात कर लेता है, अगला उसके बात को ख़त्म होने के बाद दूसरा बंदा जो है वो बात शुरू कर सकता है। थर्ड जो है, इसी थर्ड है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड जो होता है, बोथ स्टेशन कैन सेंड एंड रिसीव डाटा सिमल्टेनियसली, यानी कि दोनों जो स्टेशन है वो डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको वेट नहीं करना पड़ेगा, एक ही दफ़ा में वो बात कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसी वक्त में डाटा को सेंड करेगा और उसी वक्त में डाटा को रिसीव कर सकेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल टू एंड द मोर कंप्यूटर कनेक्ट टू अ नेटवर्क डिवाइस, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट हैं एक नेटवर्क डिवाइस के साथ, जैसे कि स्विच हो गया, वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा फुल डुप्लेक्स एक्टिविटीज़। इसमें मतलब डाटा को वेट नहीं करना पड़ेगा, एक ही दफ़ा में वो सेंड कर सकते हैं, उसी वक्त वो क्या करेगा, रिसीव कर सकता है। और इट इज़ द पॉइंट फास्टेस्ट, इट इज़ द फास्टेस्ट बाइनरी डायरेक्शन मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ये दोनों साइड पर होगा, ये बाइनरी डायरेक्शन है, यानी कि दोनों तरफा मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। फुल डुप्लेक्स मोड इज़ लाइक टू द टू वे, इट्स लाइक द टू वे स्ट्रीट विथ ट्रैफिक फ्लो इन द बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, जिसमें ट्रैफिक जो है वो फ्लो कर सकती है, चल सकती है एक ही दफ़ा में। ठीक है, इन द फुल डुप्लेक्स मोड सिग्नल गोइंग इन द वन डायरेक्शन शेयर द कैपेसिटी बैंड विच ऑफ द मीडियम विद द सिग्नल गोइंग इन द अदर डायरेक्शन, यानी कि एक ही दफ़ा में डाटा को सेंड भी कर सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं, सिग्नल भी एक ही दफ़ा में एक अदर डायरेक्शन पे जाएंगे। दिस शेयरिंग कैन अकर इन द टू वे, ठीक है, ये शेयरिंग जो होती है वो अकर होगी, यानी अकर का मतलब होता है जाहिर होना है ना, दो तरीक़ों से। इधर द लिंक मस्ट कंटेन अ टू फिजिकली सेपरेट ट्रांसमिशन पार्ट, इसमें लिंक जो है वो कंटेन होंगे दो फिजिकली अलग द ट्रांसमिशन पार्ट जो होते हैं, वन
फॉर सेंडिंग एंड अदर फॉर रिसीव, एक जो होगा वो सेंडिंग के लिए होगा और दूसरा क्या होगा रिसीविंग के लिए होगा। द कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज डिवाइडिंग बिटवीन अ सिग्नल, जो कैपेसिटी होती है, जो सलाहियत होती है चैनल की, वो डिवाइड होती है सिग्नल के दौरान जो कि ट्रैवलिंग करते हैं बोथ डायरेक्शन में, यानी कि सेंड एंड रिसीव दोनों डायरेक्शन में वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं एक ही वक्त में। वन के फुल डुप्लेक्स मोड की कम्युनिकेशन जो है उसके एग्जांपल बेस्ट जो है वो है टेलीफोन नेटवर्क, जिसमें आप एक ही दफ़ा में मैसेज को, यानी कि एक बंदे को आप बात करते हैं और उसी वक्त उसे क्या कर सकते हैं जवाब असूल कर सकते हैं। व्हेन टू पीपल्स आर कम्युनिकेट बाय अ टेलीफोन लाइन बोथ कैन टॉक एंड द लिसन एट सेम टाइम, यानी कि दोनों बात भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये हो गया बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। उसके बाद जो बी वाला है उसमें आ जाता है सिंक्रोनाइज एंड असिंक्रोनाइज। अदर वे जो है ऑफ क्लासीफाई करने का डाटा कम्युनिकेशन फ्लो को इज है सिंक्रोनाइज असिंक्रोनाइज, यानी डाटा को सेंड करने का जो दूसरा तरीका है वो है उसमें आ जाता है पहले नंबर पे सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन। क्या होती है सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन में लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन कैन ट्रांसमिटेड एट सेम टाइम, यानी सिंक्रोनाइज में क्या कहता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आप एक ही दफा में क्या कर सकते हैं ट्रांसमिट कर सकते हैं। दिस इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन डाटा जो है इज़ ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक एंड वर्ड बाय वर्ड, यानी डाटा जो है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक भी सेंड किया जाता है और वर्ड बाय वर्ड भी सेंड किया जाता है सिमल्टेनियसली, यानी कि एक ही दफ़ा में। ईच ब्लॉक जो होता है वो कंटेन होता है सेवरल बाइट ऑफ डाटा, हर ब्लॉक जो होता है वो मुश्तमिल होता है कई बाइट डाटा पे। बाइट क्या होता है, जो बाइट की जो बैकग्राउंड कहानी है कंप्यूटर जो है वो हमारी अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज को। बाइनरी लैंग्वेज में दो ही डिजिट यूज़ होते हैं ज़ीरो एंड वन, ज़ीरो और एक बिट जो होगा उसमें या तो ज़ीरो वन आएगा या वन आएगा, ठीक है। और बाइट क्या होता है, यानी कि एट बिट जो होती हैं वो प्रॉपर होती हैं, 8 बिट हो, अगर टोटल 8 बिट हो तो वो बराबर होगा एक बाइट के, ठीक है। अगर कई बाइट होंगे तो उसमें मल्टीपल बिट्स आएंगे, ठीक है। इन सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन में स्पेशल कम्युनिकेशन डिवाइस जो होती है उसको बोला जाता है असिंक्रोनाइज्ड क्लॉक इज रिक्वायर्ड टू शेड्यूल, यानी कि वो शेड्यूल बनाता है ट्रांसमिशन करने का इंफॉर्मेशन। विद अ सिंक्रोनाइज्ड ट्रांसमिशन लार्ज ब्लॉक ऑफ बाइट आर द ट्रांसमिट एट द रेगुलर इंटरवल विदाउट एनी स्टार्ट एंड द स्टार्ट एंड द स्टॉप पॉइंट, यानी कि वो बड़ी तादाद में ब्लॉक जो होते हैं उनको ट्रांसमिट किया जाता है बगैर किसी स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सिग्नल की। सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन जो होती है उसको ज़रूरत होती है बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइस, यानी सिंक्रोनाइज के लिए दोनों होनी चाहिए, सेंड करने वाले डिवाइस भी होनी चाहिए जिसे मैसेज सेंड होता है और रिसीव करने वाले डिवाइसेस भी होती है। कैन बी सिंक्रोनाइज बिफोर रिक्वायरिंग बोथ सेंडिंग बिफोर डाटा इज ट्रांसमिशन, डाटा को सेंड करने के लिए सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी होती है मोर एक्सपेंसिव, यानी कि सिंक्रोनाइज के लिए हमें ज़रूरत है सिंक्रोनाइज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए हमें ज़रूरत होती है एक्सपेंसिव डिवाइसेस की। सिंक्रोनाइज के लिए हमें ज़रूरत होती है एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की, एक्सपेंसिव किस्म के सामान की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो सेंडर एंड रिसीवर है वो एक्सपेंसिव होना चाहिए, बट क्या करता है ये प्रोवाइड करता है ग्रेटर स्पीड एंड द एक्यूरेसी, यानी कि बहुत तेज़ स्पीड और बिल्कुल ठीक जो है वो प्रोवाइड करता है किसकी नस्बत असिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन की नस्बत। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द कंप्यूटर सिस्टम, इस किस्म की ट्रांसमिशन जो होती है वो मुनासिब होती है कंप्यूटर सिस्टम के लिए जिसकी ज़रूरत होती है ट्रांसमिट करने के लिए ग्रेट क्वान्टिटी ऑफ डाटा क्विकली, यानी अच्छी मकदार के डाटा को बिल्कुल ठीक डाटा को सेंड करेगा बहुत तेज़ी के साथ सिंक्रोनाइज में। अब असिंक्रोनाइज की बात करें ट्रांसमिशन में तो इसमें डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है वन बाइट, यानी एक वक्त में एक बाइट होगा, लेकिन सिंक्रोनाइज में क्या होता था एक वक्त में कई बाइट जो है वो ट्रांसमिट किया जा सकते थे। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज बाय द माइक्रो कंप्यूटर, इस किस्म की ट्रांसमिशन को यूज़ किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर यानी कि छोटे कंप्यूटर में। द डाटा इज़ ट्रांसमिट करेक्टर बाय कैरेक्टर, यहाँ पे डाटा जो है करेक्टर बाय करेक्टर करेगा यानी एक एक बिट करके वो ट्रांसमिट करेगा। असिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन जो होती है डस नॉट अकर एट द प्री डिटरमाइंड और या रेगुलर इंटरवल, यानी कि पहले से तयशुदा नहीं होती, पहले से मुकर्रर नहीं होती, रेगुलर इंटरवल्स होती हैं, ठीक है। असेंडिंग डिवाइस जो होता है वो ट्रांसमिट करेगा बाइट को एट एनी टाइम, सेंडिंग डिवाइस जो होती है वो किसी भी वक्त जो है वो डाटा को बाइट को क्या करेगा
वो ट्रांसमिट करेगा, और रिसीविंग डिवाइस जो होता है मस्ट बी रेडी होता है कि एक्सेप्ट करे देम एट द अराइवल, यानी उसके आने के वक्त रिसीविंग डिवाइस जो होता है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है। द स्टार्ट बिट मार्क जो होती है बिगनिंग ऑफ ए बाइट होती है, एंड द स्टॉप बिट मार्क जो होती है एंड ऑफ द बाइट होती है। स्टार्ट बिट यानी कि शुरू वाली बिट मार्क जो होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, और स्टॉप वाली जो बिट होती है वो एंडिंग होती है। एडिशनल बिट जो होती हैं वो पार्टीज बिट्स होती हैं। पार्टीज बिट क्या होती हैं? बराबरी की बिट जो होती है, समटाइम इसमें इंक्लूड होती हैं एंड ऑफ द ईच बाइट टू अलो करता है फॉर द एरर चेकिंग, यानी हर बाइट जो होता है वो इस चीज़ की परमिशन देता है कि आप एरर को चेक कर सकें। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो होता है यूजली इन्वॉल्व होती है इसमें। कम्युनिकेशन में आमतौर पर कम्युनिकेशन शामिल होती है जिसमें डाटा जो होता है इसको ट्रांसमिट किया जाता है। इंटरमीडिएटिवली क्या होती है? इंटरमीडिएटिव जो होती है यानी कि वक्फे वक्से से, यानी इसमें क्या होती हैं एक ही दफ़ा में डाटा नहीं सेंड होता है, वो ठहर ठहर के डाटा को क्या करता है वो सेंड करता है। ऑफ द स्टेडी स्ट्रीम की तरह इट इज़ आल्सो नेम बिकॉज द टाइमिंग ऑफ सिग्नल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नेम जो होता है यानी टाइमिंग के सिग्नल जो होते हैं इसमें अहम नहीं होते हैं। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज़ अ रिलेटिवली स्टेडी स्ट्रीम की तरह इट इज़ आल्सो नेम बिकॉज द टाइमिंग ऑफ सिग्नल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नेम जो होता है यानी टाइमिंग के सिग्नल जो होते हैं इसमें अहम नहीं होते हैं। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज़ अ रिलेटिवली स्लो, यानी कि सिंक्रोनाइज की नस्बत जो होती है इसकी ट्रांसमिशन जो होती है वो होती है स्लो होती है। आज का लेक्चर इतना ही था। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करते और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।